तो हम सबको पता है कि जब से ट्रिपल एच ने क्रिएटिव और टॉप मैनेजमेंट संभाला है WWE में इस साल से, तब से WWE की काया ही पलट गई है। प्रोडक्ट में सुधार आया है, फैंस की सुनी जा रही है, बहुत सारे रिटर्न्स हुए हैं, रेटिंग्स इंक्रीज हुई हैं और सोशल मीडिया एंगेजमेंट और बज बहुत सारा है। तो सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 5 पॉइंट्स जो कि शायद मिस हुए हैं ट्रिपल एच की तरफ से, और इन 5 पॉइंट्स को एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है WWE और ट्रिपल एच के लिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, और आइए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। वेलकम टू रेसलमेनिया। शुरू करते हैं हिट रो से। अब ट्रिपल एच के एरा में बहुत सारे रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं, फिर चाहे वो ब्रे वायट हो, कैरियन क्रॉस हो या हिट रो हो। अब हिट रो ने अपना रिटर्न किया था 12 अगस्त के स्मैकडाउन के एपिसोड में, जहां पर उन्होंने 2 लोकल कॉम्पिटिटर्स को हराया था। अब उसके बाद उनका एक बहुत ही ब्रीफ फ्यूड हुआ मैक्सिमम मेल मॉडल्स के साथ। अब मैक्सिमम मेल मॉडल्स को अगर आप देखोगे तो वो कोई बहुत ज़्यादा सीरियस कंटेंडर्स है नहीं स्मैकडाउन पे राइट नाउ। तो जो भी बस क्रिएट हुआ हिट रो का, वो धीरे 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 नीचे जाता गया, और उसके बाद उनको स्ट्रांगली बुक भी नहीं किया गया आगे की फ्यूड्स में, और वो बन के रह गए जस्ट अनदर फैक्शन इन द ब्लू ब्रांड। एग्जाम्पल के तौर पे जब ज़ेलिना वेगा वापस आई और उन्होंने टीम अप किया सैंटोस एस्कोबार और उनकी टीम के साथ, तो इस पूरी टीम ने मिलकर बीट किया हिट रो को। और उसके बाद वाइकिंग रेडार्स जब वापस आते हैं इस बार एक नए मेंबर के साथ, यानी कि सारा लोगन की हमें रिटर्न देखने को मिलता है, तभी भी हिट रो को बीट अप किया गया। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है हिट रो के लिए। अगर उनको आगे के एपिसोड्स में एक सीरियस फैक्शन के तौर पर नहीं दिखाया गया तो शायद ये रिटर्न बिल्कुल फिजल आउट हो जाएगा और इसका कोई मायना नहीं रहेगा। नंबर 4 पर बात करते हैं, अ वीक वुमेन्स लॉकर रूम ऑन स्मैकडाउन। अब रॉ के मुकाबले अगर हम स्मैकडाउन पर देखें तो जिस तरह की स्टार पावर वुमेन्स डिवीजन में स्मैकडाउन पर है वो एट पार नहीं है अगेंस्ट रॉ। आज की अगर हम बात करें तो जरूर से स्मैकडाउन चैंपियन है रोंडा राउजी, पर उसके अलावा यहाँ पर नए स्टार्स बनाने के लिए कोशिश की जा रही है, पर एक लेजिटिमेट फ्यूड हम नहीं देख पाए हैं स्मैकडाउन पे विमेंस डिवीजन में लिव मॉर्गन को छोड़ के। अब नए स्टार्स की बात करें तो एमा का रिटर्न हमें ज़रूर दिखा स्मैकडाउन पे, पर वो मैच वो हार गई। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि शायद वो मैडकैप मॉस के साथ टीम अप होंगी आगे के स्मैकडाउन के एपिसोड्स पे। शीना बेजलर रोंडा राउजी की साइड पे हो चुकी हैं। न्यूअर स्टार्स लाइक अलाया गायब हैं रोस्टर से, लेसी इवन गायब हैं रोस्टर से, जिया ली को पुश किया नहीं जा रहा, सोनिया डेविल कभी कभी हमें दिखती हैं, तो एक बहुत ही वीक स्मैकडाउन का वुमेन्स डिवीजन दिख रहा है मुझे आज की डेट में। नंबर 3 पर बात करेंगे, द स्लाइड ऑफ मैट रिडल। WWE एक्सट्रीम रूल्स पर हमें देखने को मिलता है रिडल वर्सेस सेथ रॉलिंस फाइट पिट मैच, और ये मैच जीते हैं रिडल, पर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रिडल पर नहीं पड़ के बल्कि सेथ रॉलिंस पर पड़ता है। आगे चल के सेथ रॉलिंस तो जहाँ जीत जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, वहीं रिडल का कोई अता पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके मोमेंटम पर एक बहुत बड़ा धक्का लगा है इन द लास्ट फ्यू वीक्स। और मैट रिडल एक ऐसे सुपरस्टार है कि कैरेक्टर आर्क को और मोमेंटम को स्लाइड होते हुए हम जैसे फैंस नहीं देख सकते, तो ज़रूर ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर ट्रिपल एच को ज़रूर अपनी नज़र टिकानी पड़ेगी। नंबर 2 पर बात करेंगे इलायस की। जैसा कि मैंने बताया कि मैट रिडल आजकल हमें कभी कभी दिखते हैं इलायस के साथ, जिनको ट्रिपल एच अभी रिसेंटली वापस लेके आए हैं, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम सबको पता है कि इलायस ही इजिकल है और इजिकल ही इलायस हैं, और ये एक बंदा 2 कैरेक्टर्स प्ले कर रहा था। जब इलायस ने कुछ महीनों का ब्रेक लिया और एक कैरेक्टर वर्क करके नए कैरेक्टर यानी कि इजिकल के साथ वापस आए, तो उनको स्टार्टिंग में शायद इतना ज़्यादा पुश ना मिला हो, लेकिन क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग थी केविन ओवेंस के साथ और केविन ओवेंस ने इस पूरे फ्यूड और इस पूरे इंटरेक्शन को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया था, लोग इनफैक्ट बाद में इजिकल को लाइक भी करने लग गए थे। ताकि हम सबको याद है कि ऐसा सेगमेंट भी हमें देखने को मिला था जहां पर इजिकल का इंटरेक्शन हुआ था इलायस के साथ एक ही फ्रेम में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट था। अगर आपने वो सेगमेंट नहीं देखा तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। हम सबको पता है कि उसमें बहुत सारा पोस्ट प्रोडक्शन VFX ये सब करके दिखाया गया था, लेकिन वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन थी। अब शायद ट्रिपल एच को इजिकल का कैरेक्टर पसंद नहीं था, इसीलिए इजिकल को दिखाया गया कि वो हुए इंजर्ड और वापस से लाया गया दाढ़ी बढ़ा के, वापस से वो बने इलायस और वापस आ गए हैं WWE में। लेकिन जब से वो वापस आया तो उनको उस तरह का रिएक्शन नहीं मिला है जिस तरह से पहले उनको मिलता था, जब वो कहते थे वॉक विद अलायस, WWE स्टैंड्स फॉर वॉक विद अलायस, जब वो ये सब गिमिक करते थे, जब अपना गिटार प्ले करते थे, गाना गाते थे, तो जिस तरह का इंटरेक्शन, जिस तरह का एंगेजमेंट और रिएक्शन को पहले मिलता था
वो अब बिल्कुल डेड है। तो अब ये एक ऐसा डेड कैरेक्टर था इलायस का जो कि ट्रिपल एच वापस लेके आया है, और इसका फायदा ना ही इलायस को हो रहा है, ना ही उस पूरे सेगमेंट या प्रोग्राम को, और ना ही WWE को। तो मेरे ख्याल से एक ऐसी गलती है जिस पर ट्रिपल एच की नज़र वापस से पड़नी चाहिए। क्या हम एक वापस से करेक्टिव मेजर ले सकते हैं? क्या हमें वापस दिख सकते हैं इजीकियल WWE रिंग में? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो टॉप 5 मिस्टेक्स में से टॉप 4 मिस्टेक्स तो हम कवर कर चुके हैं, अब बारी आती है नंबर 1 मिस्टेक की, और ये मिस्टेक जुड़ी है ब्रे वायट से। जी हाँ, ब्रे वायट से। ब्रे वायट जिनका जब रिटर्न हुआ, एक लॉन्ग अवेटेड रिटर्न, सब चाह रहे थे कब वापस आ रहे हैं ब्रे वायट, और जब वो वापस आए तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिएक्शन मिला ऑडियंस से, लाइव टीवी पर भी और सोशल मीडिया पर भी। लेकिन अगर आप देखेंगे उसके बाद से लेकर अब तक उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत कुछ क्लियर नज़र आया नहीं है पब्लिक को, फैंस को समझ नहीं आ रहा कि ऐसा लग रहा है सेम वो प्रोमो कट कर रहे हैं हर हफ्ते। सिर्फ एक जो अंकल हाउडी का जो प्रोमो था वो बहुत ही सॉलिड था, ऐसा लग रहा था कि कुछ आगे होने वाला है, लेकिन ये पूरा का पूरा मोमेंटम बहुत ही स्लो जा रहा है। ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा है कि कब हमें फाइनली फुल फ्लेज्ड देखने को मिलेगा ब्रे वायट, कौन होंगे उनके वायट सिक्स फैमिली या फैक्शन के मेंबर्स, या क्या ये एक ही रेसलर होगा जो डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करेगा। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, फैंस एक्साइटेड जितना थे अब उतने ही धीरे धीरे फ्रस्ट्रेटेड होते जा रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते से उनका एक सेगमेंट हमें देखने को मिल रहा है एले नाइट के साथ। अब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एले नाइट, मुझे नहीं लगता एले नाइट उस लेवल पर है जहाँ पर हम सोच रहे थे कि ब्रे वाइट का एक फ्यूड होगा, एक कैरेक्टर डेवलपमेंट होगी। एले नाइट खुद अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट यहाँ पर अभी कर रहे हैं, उन्होंने अभी अभी रिसेंटली मैक्सिमम मेल मॉडल छोड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो रिटर्न हुआ है ब्रे वाइट का कुछ हफ्तों तक बहुत ही सही था, प्री बज बहुत अच्छा था, और जब उन्होंने वापस आए वो भी बहुत सही था, देर इज़ नो कम्प्लेंट्स ऑन दैट। पर ओवरऑल जिस तरह से वो आगे चलकर हफ्ते दर हफ्ते बिल्कुल स्लो पेस होते जा रहा है, उस चीज़ पे ट्रिपल एच को ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा इससे पहले कि ये एक टोटल मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो जाए। बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी और फैंस के पर्सपेक्टिव से भी ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे टॉप 5 मिस्टेक्स जो WWE और ट्रिपल एच ने की है जब से ट्रिपल एच का एरा हमें देखने को मिला है WWE में। अब ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, आपके क्या ओपिनियंस हैं इन टॉप 5 मिस्टेक्स के बारे में? इसके अलावा ऐसे कौन से पॉइंट्स या मिस्टेक्स हैं जो आपको लगता है WWE को ध्यान देने चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।